So my friend, in this video, you will know how to start making money from Instagram. So दोस्तों हम लोग बात करने वाले वो 9 steps जो आपको बहुत ही ज़्यादा important है to make money from Instagram and कैसे आप 2 sale या 1 sale निकाल के daily $100 at least earn कर सकते हैं। लेकिन guys उसके लिए कुछ basics 9 steps हैं जो बहुत ही ज़्यादा important है अगर आपको $100 a day या $1,000 a day on Instagram कमाना है, जो बिल्कुल भी possible है, बिल्कुल पॉसिबल है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो अगर गाइस आपको ये चीज करनी है तो आपको ये 9 स्टेप्स जो है वो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही क्लियरली फॉलो करना होगा अपने Instagram को बिल्ड करने में, और एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा मैं चीजें और आपको ये चीज का ध्यान रखना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस वी आर ऑन द बोर्ड एज यूजुअल। तो गाइस फर्स्ट जो पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज जो फर्स्ट जो पॉइंट है, चूज अ टारगेटेड नीश। गाइज टारगेटेड नीश में हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपका जो नीश है वो बिल्कुल ही टारगेटेड होना चाहिए, एकदम टारगेटेड नीश होना चाहिए आपका, ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो आपका जो प्लेटफॉर्म है उसको समझ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सही समय में, सही मतलब या शॉर्ट टाइम में आप कैप्चर कर सकें। और नीश के अकॉर्डिंग ही इंस्टाग्राम पर बिजनेसेस काम करते हैं। इसके पहले भी मैं इस चीज़ की बात कर चुका हूँ। तो लोग चलेंगे सीधा सेकंड पेज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीच को सिलेक्ट करने के बाद, और वो है चूज अ क्लीन पोस्टिंग स्टाइल। यस गाइस, चूज अ क्लीन पोस्टिंग स्टाइल। इट्स मीन देखना, आप लोग बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम रहते हैं जिनका बहुत ही अच्छा थीम होता है, बिकॉज उनका जो नीच होता है वो बिल्कुल सेलेक्टेड होता है। तो आपका जो नीच है उसके अकॉर्डिंग आपका पोस्टिंग स्टाइल बिल्कुल ही सेलेक्टेड होना चाहिए, ताकि देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। बिकॉज आप अपने आप को नहीं, आप किसी प्रोडक्ट को शो कर रहे हो, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा और अच्छा दिखना चाहिए एज अ स्टाइल। तो गाइस जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में हम बात करेंगे, चूज अ कंसिस्टेंट पोस्टिंग शेड्यूल। गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चूज अ कंसिस्टेंट पोस्टिंग शेड्यूल। इट्स मीन व्हाट गाइज, ये कि अगर आप शाम के 6 बजे पोस्ट करते हो तो आपको शाम के 6 बजे ही पोस्ट करना है। अगर आप सुबह के 7 बजे पोस्ट करते हो तो आपको सुबह के 7 बजे ही पोस्ट करना है। मतलब आपको एक टाइमिंग निकालनी है और उसके साथ कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको पोस्ट करना है अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम एल्गोरिथम्स। तो गाइज हम लोग बात करेंगे अब फोर्थ पॉइंट की। सो गाइज जो अपना फोर्थ पॉइंट है गाइज वो ये है कि चूज स्टोरी। गाइज चूज स्टोरी डेट इंक्लूड रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी अपनी स्टोरी में कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल दो जिसमें वो यस नो करें या कोई आपको आंसर दें। इससे क्या होता है कि आपका जो स्टोरी है उसका एंगेजमेंट रेट बढ़ता है और बैकअप पे आपके प्रोफाइल का एंगेजमेंट रेट बढ़ता है। इससे ये होता है कि आप जो भी स्टोरी डालते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचने की उसमें क्षमता हो जाती है। इसका मतलब यही है कि आपका एंगेजमेंट मोरल और बढ़ेगा और इससे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। जो पांचवा पॉइंट है गाइज वो ये है, गो एंड डू कोलैबोरेशन। ठीक है, क्या गाइज अपने जो सेम नीश के जो प्रोफाइल्स हैं उनके साथ कोलैब करो। जब आप कोलैबोरेशन करोगे तो क्या होगा, होगा ये कि जो आपके पास फॉलोअर्स है और वही सेम नीश अगर किसी को आप जानते हो वो बंदा उसी सेम नीच पे, तो ज़्यादातर चांस रहता है कि फॉलोअर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर आपके पास अच्छा थीम होगा, अच्छा कंसिस्टेंट बेस कंटेंट होगा, तो 100% वहाँ के फॉलोअर्स आपके पास आएंगे। तो कोलैबोरेशन का भी बहुत अच्छा एक फ़ायदा है फास्ट ग्रोइंग इंस्टाग्राम के लिए, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। तो गाइस जो सिक्स पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, डोंट ओवर यूज हैशटैग। गाइस क्या होता है, लोग 31-31 हैशटैग यूज़ कर देते हैं, 30-30 हैशटैग यूज़ कर देते हैं एक एक पोस्ट में, जैसे कि मैं भी बहुत ये गलती करते आया हूँ। लेकिन रिसेंटली मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये जो चीज़ है इसको आप कम से कम 20 के अंदर ही रखने की कोशिश करो, क्योंकि ज़्यादा हैशटैग यूज़ करना और ओवर यूज़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हैशटैग नहीं, कम से कम हैशटैग यूज़ करो और टारगेटेड हैशटैग यूज़ करो जिससे आपका पोस्ट है वो वायरल हो और उस पर आपके पोस्ट बेस मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग ही टारगेटेड ऑडियंस आप तक पहुंच सके और आपकी जो प्रोफाइल है वो अच्छे से ग्रो कर सके। जो गाइस सेवन्थ पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको ये मतलब यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मैं समझाता हूँ वो क्या है, वो है डोंट
प्ले फॉलो एंड अनफॉलो गेम। गाइस क्या होता है, आपको पता है कि अनफॉलो और फॉलो करने से आपके पास फॉलोअर्स आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। प्रॉब्लम ये है कि जब आप फॉलो अनफॉलो का गेम खेलते हो तो कई लोग ऐसे हैं जो बॉट्स का यूज करते हैं। बॉट्स क्या करते हैं, जब आप किसी को फॉलो करते हो तो वो भी आपको फॉलो कर लेते हैं, लेकिन थोड़े पीरियड के बाद वो आपको अनफॉलो कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स को प्रॉब्लम होती है और वो आपके अकाउंट को डाउन करते जाता है। ये काफी लोग करते हैं फॉलो अनफॉलो का गेम, तो प्लीज ये गेम बिल्कुल ना खेलो। फॉलो और अनफॉलो इज द ब्लेमिंग गेम टू इंस्टाग्राम, सो प्लीज डोंट डू दिस। एट्थ पॉइंट, द एट्थ पॉइंट इज डोंट यूज एनी एग्रेसिव ऑटोमेशन। गाइज मतलब यही कि जो लोग आजकल आपको बोल रहे हैं कि आपको ये इसका इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता देंगे, उस सॉफ्टवेयर के बारे में बता देंगे, या तो वो चैटबॉट लगा देंगे, वो कोई ऑटोमेशन का बॉट लगा देंगे, वो काम करने लगेगा आपके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए, एंगेजमेंट को बढ़ाने के। तो ओवर ऑटोमेशन करने की कोशिश ना करो, ठीक है। हाँ आप एक चैटबॉट का यूज कर सकते हो, मतलब तुरंत ऑटो ऑटो रिप्लाई बॉट का यूज कर सकते हो, लेकिन गाइस आप पूरी तरह से ऑटोमेशन करने की कोशिश मत करो इंस्टाग्राम में, क्योंकि इनका थीम यही है कि सोशल, आपको सोशल करने की कोशिश करते हैं ये। तो प्लीज ऐसे अगर आप करोगे तो आपका जो अकाउंट है उसको डोमिनेट किया जाएगा और हो सकता है आपकी जो फॉलोइंग अनफॉलोइंग वो भी कम हो जाए और आपका अकाउंट को डाउन कर दिया जाए। ये भी कई केसेस में हो चुका है। और गाइस जो नाइन्थ और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डू कंसिस्टेंटली, ठीक है गाइस, आपको कंटिन्यूअसली करना है करना है करना है और क्विट नहीं करना है। ये जो नाइन टॉपिक्स मैंने बताए हैं बहुत ही फास्टली बताए हैं ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ सके, और गाइस इसमें डीप जाके आपको समझना है कि मैंने जो जो चीज़ बोला उसको रिपीट कर करके देखना है। कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको प्ले करना है ये सारी चीज़ों को और क्विट नहीं करना। इनसे ही आपका प्रोफाइल ग्रो होगा और बाद में जाके ये आपको बहुत अच्छा पैसा देगा। ये सब करने के लिए गाइज मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, उन वीडियोस को आप वॉच कर सकते हो, जिसमें मैंने कहा है कि आपके फॉलोअर्स तेजी से 1 हफ्ते में 1,000 गेन कर सकते हो और कम फॉलोअर में आप अच्छा गेम प्ले कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं जो यहाँ पर आपको दिख जाएगी। इसके बाद आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टाग्राम पे वो लिंक को सेट हो गया आप, जिससे लोग आपके इंस्टाग्राम पे आएंगे और फिर जाके आपसे काफी चीजें खरीदेंगे। तो उस वीडियो को मिस मत करना, वो वीडियो अपकमिंग है, मे बी नेक्स्ट वीडियो वो होने वाली है, और आपको उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कि आप कैसे जाके वो लिंक को सेट कर सकते हो और जाके काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, और कैसे उस लिंक को क्रिएट करना है, और कोई भी उस लिंक को क्रिएट कर सकता है। कौन सी लिंक मैं आपको दिखा देता हूं। सो गाइस आई होप आपको ये लिंक दिख रही होगी यहाँ पर। ये लिंक को कैसे क्रिएट करना है, कहाँ से कैसे बनाएंगे, पूरा सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे जिससे आप पूरा अर्निंग करने वाले हो, ये एक ही लिंक पूरी मैजिक करेगी आपके कम से कम फॉलोअर में। हाँ अगर आपके पास 10K से ज़्यादा फॉलोअर्स है तो आप स्टोरी से भी वो काम कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 10K से मतलब 10,000 फॉलोअर्स से कम फॉलोअर्स है तो ये लिंक ही है जो आपको पूरा हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियोज आपको समझाऊँ कि कैसे लिंक पूरा सेटअप करना है, कैसे अंदर पूरा ये लिंक काम करती है, मतलब बैकअप पे सामने तो आपको सिर्फ ये लिंक दिख रही है, लेकिन इसके बाद जब क्लिक करोगे तो आगे भी काफी सारे इसके प्रोसेस होते हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं, अगर आपको जानना है तो आप नीचे मुझे कमेंट करो कि आपको ये वीडियो चाहिए, आई वॉन्ट दैट वीडियो, बस इतना आपको लिखना है। अगर ज्यादा ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सके। और शॉर्ट में मैंने ये 9 स्टेप्स निपटाए हैं, प्लीज अगर आपको समझ में आया हो तो फिर से वीडियो को देखो ताकि आपको डीप समझ में आ जाए, और मैं आपको गारंटी वारंटी दे सकता हूं कि ये 9 स्टेप में ही पूरी इंस्टाग्राम की थीम समाई हुई है, और इन 9 स्टेप से ही आप आगे ग्रो करके काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।